जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। और बुरा मत मानिएगा, सुनकर किसी को अगर बुरा लगे तो क्षमा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, हम माफी मांगते हैं, पर बुरा मत मानिए, ध्यान से सुनिए। कनफुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नरके चले संग ले जजमा। इसलिए पानी पीजिए, छानकर गुरु ढूंढिए, जानकर गुरु की अद्भुत महिमा। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, भारत में, विश्व में, दुनिया में ऐसे नहीं छाए, मार्क जुकरबर्ग जब हमारे भारत के संत पूज्य हनुमत स्वरूप नीम करोली वाले बाबा की शरण में आए, तब उनका नाम पूरी दुनिया में छाया। ऐसे कितने उदाहरण हम आपको बता दें जो संतों की कृपा से पूरी दुनिया में है। वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी संतों के आराध्य हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य की दिव्य प्रतिमा उन्होंने कहां लगवाई? केदारनाथ में जाकर के प्रतिस्थापित की है, तब उनका नाम आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हम उनके संतप्त भाव से प्रसन्न है। बाकी राम जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो संतों का है हम उनके हैं, जो सनातन का है हम उनके हैं। तो ध्यान रखना, प्राण दे देना पर अपने सनातन को मत छोड़ना। गुरुओं की महिमा भारत भूमि विश्व गुरु इसलिए है क्योंकि यहां गुरु प्रधान है। गुरु देव नहीं, गुरु त्रिदेव होते हैं, याद रखना। गुरु में त्रिदेव बसते हैं, गुरु देव नहीं, गुरु त्रिदेव है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। कितने देव हो गए? तीन। इसलिए गुरु देव नहीं है, गुरु त्रिदेव है। सच्चा और अच्छा गुरु रंक को राजा बना देता है। सच्चा और अच्छा गुरु रंक को भी राजा बना देता है। इसलिए मेरे पागलो, मैं निवेदन करूंगा, मीरा भाई का पद बड़ा प्यारा, मोहे लागी लगन गुरु चरण की, गुरु के माधव को नहीं पाया, गोविंद को पाया तो गुरु के कारण पाया है। मेरे पागलो, एक बात याद रखना, नंद बाबा के घर पर अगर ठाकुर जी प्रकट भए हैं तो गुरु की कृपा के कारण भए। न संत तपस्या करते, न भगवान आते, संतों के कारण भगवान प्रकट भए। भगवान तो अहम भक्त पराधीन, भक्तों के अधीन है। आज की कथा यहीं से शुरू हुई थी, अहम भक्त पराधीनो। याद रखना मेरे पागलो, जीवन में एक गुरु ऐसा बनाओ जिनके चरण में जाते ही गोविंद की याद आने लगे, प्रभु याद। अब मांगने की क्या जरूरत, समझे? सच बता दें, हम दुनिया के वो भाग्यशाली शिष्य हैं जिनके दो दो कुलदेव हैं। एक हनुमत स्वरूप है जिन्हें हनुमान जी के दो बार दर्शन भए, दूसरे साक्षात कलयुग में तुलसीदास और वाल्मीकि जी के अवतारी बने। बड़े बड़े विद्वान जिनके सन्मुख जाकर के मौन हो जाते हैं,
ऐसे पूज्य जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य श्री श्री 108 श्री पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी, ऐसे ऐसे महापुरुष इस धराधाम पर हैं। हम आप सब भाग्यशाली हैं, इसलिए हम आपको ये बात सिर्फ इसलिए बताए हैं, कोई भाव अलग से बताने का सिर्फ इतना था कि नंद बाबा के घर पर अगर ठाकुर जी प्रकट भए तो संत गुरु कृपा से अपने जिंदगी में भी तुम्हें अगर भक्ति प्रकट करनी है, मन रूपी गोकुल में अगर बांके बिहारी को प्रकट करना है तो तुम्हें भी एक गुरु की आवश्यकता है जो भक्ति प्रदान दे, जो प्रभु से जोड़ने का काम करे। भगवान प्रकट भए, आहा नंद बाबा विधिवत पूजन करते, धन्यवाद करते, आपकी बड़ी दया। लेकिन आज का जमाना बड़ा उल्टा है, कृपा हो भी जाए, आज के जमाने में संतन को नहीं माना जाता, ना ना ना, बड़ा उल्टा समय है। हम एक काशी वासियों को निवेदन करेंगे, काशी वासियों तुम्हारी धरोहर है काशी में संत और यहाँ के विद्वान, उनको संजो करके रखिए, तुम्हारी धरोहर है। अभी जो आचार्य जी आए थे वो प्रारंभ में काशी को आध्यात्मिक राजधानी बता रहे थे देश की, अद्भुत संज्ञा दी, आध्यात्मिक राजधानी काशी है, लेकिन काशी का बल क्या है, यहाँ के विद्वान और यहाँ के सन्यासी। विद्वान और सन्यासी दोनों काशी का बल है, इनकी रक्षा करना हमारा तुम्हारा धर्म है, इनकी सेवा करना हमारा आपका धर्म है। लेकिन बड़ा उल्टा जमाना, आंखें फूटी जगत की कहा करे जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। हाँ, बड़ा उल्टा जमाना। अब इसका अर्थ समझे क्या कहा हम? एक बार एक आदमी के लड़का ना हतो संतान, एक गुरुजी लोग, गुरुजी संतान नहीं, गुरुजी बोले खुशी रहा हो जे, हम भजन करेंगे, भगवान की कृपा से लड़का होगा, लड़का भाव तो गांव के जितने मित्र थे भी आ गए, वाह वाह वाह, बधाई हो बधाई हो, लड़का भाव अब तो पार्टी लगेगी। अब पार्टी लगेगी तो बोले क्या होगा, बोले नाच गाना। तो नाचने के लिए एक नाम था जिसका रमजनिया, उसको बुलाया, पूरी रात नृत्य चलना था। शाम के गांव वाले बोले वाह नचनारी बुला ली, जिन गुरु की कृपा से तेरे घर पे संतति हुई, कम से कम उन्हें तो बोला। तो बिना मन के उसने जो है गुरुजी को भी बुलाया, एक तरफ कोने में तखट डाल दिया। अब पूरी रात नचनारी नची, नाचने वाली नृत्य करने वाली, पूरी रात गांव के जितने आते सब हो भैया वाह लड़का भाव, तो देखो नचनारी बुलाई गई। अब जब सुबह हुई तो उसको विदा किया गया, तो उसको रात भर नृत्य करने के 300 रुपया दिए। किसी ने कहा जिन गुरुजी की कृपा से भाव है छोरा, उन्हें भी कछु दे। बड़ी मुश्किल से 5 जेबन में हाथ डाल के 30 रुपया लेके चरणों में रख करके प्रणाम किया, सो गुरुजी को बड़ी हंसी आ गई, आंखें फूटी जगत की कहा करें जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। ये हाल है गुरुदेव पे बहुत हंसे, धन्य है जमाना, ये जमाने का यही हाल है, सत्य तो यही है। बोलो सीताराम।